भारती किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं चिली पनीर, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स की डिमांड थी कि जैसे आपने लास्ट वीडियो मंचूरियन की डाली थी तो चिली पनीर की रेसिपी भी शेयर करी जाए। तो आज हम आप सबके लिए चिली पनीर बनाने के लिए लाए हैं। ये 200 ग्राम पनीर है जो मैंने क्यूब्स में काट के रख दिया है। इसके साथ ही हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे जिसमें हम इसे डिप करके फ्राई करेंगे। इसमें हम 3 चम्मच मैदा लेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, स्वादानुसार नमक, कुछ चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी रेड टोमेटो केचप। इसको मिला के हम इसका एक मीडियम स्लरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पतली स्लरी बना ली है, ना ये ज़्यादा पतली है और ना ही ये ज़्यादा थिक है। हम इसमें अपने पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इन सब को इस स्लरी में अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म है और हमें इसे गर्म कढ़ाई में ही डालना है। ठंडी कढ़ाई में अगर हम डालेंगे तो पनीर के जो क्यूब्स है वो हार्ड हो जाएंगे, पनीर सॉफ्ट नहीं रहेगा, सख्त हो जाएगा। इसलिए हमें गर्म कढ़ाई में ही डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये तेज़ आँच पर ही इसको फ्राई करना है पनीर को। और ये देखिए कैसे अलग अलग बिल्कुल पतली कोटिंग करी है इस पर, जिससे कि अगर हम इसमें मोटी कोटिंग कर देंगे मैदे और कॉर्नफ्लावर की तो ये एकदम पकौड़े के जैसी फ्लेवर देगी और हमें वो फ्लेवर नहीं चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, जिससे ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपना वर्क गर्म कर लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हमें गैस तेज़ ही रखनी है और इसमें हम 1/2 टमाटर डाइस में कटा हुआ, देखिए ये, और इसके बीज हमने निकाल दिए हैं, 1/2 शिमला मिर्च बीज निकाल के डाइस में कटी हुई, और प्याज भी डाइस में कटा हुआ, पर प्याज हम एक पूरा मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज हम इसमें डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे, टोमेटोज़ हम सबसे बाद में डालेंगे क्योंकि टोमेटो सौगी हो जाएंगे, 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप की हुई, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप किया हुआ, ये सब इसमें हम डाल देंगे और इसे तेज़ गैस पे सॉटे कर लेंगे। हमें उतना ही सॉटे करना है जिससे हमारे प्याज और शिमला मिर्च जो है वो थोड़े से नरम हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें अपनी सारी सॉसेस डाल देंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून विनेगर, और इसके साथ ही साथ हम ये टमाटर के पीसेस डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे तेज़ गैस पर ही। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और कुछ चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अपने पनीर के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चिली पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इस पे हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चिली पनीर की रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो।